दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय गौरव कलश। नागपुर के पाचपावली पुलिस स्टेशन अंतर्गत ब्यास के पैसों को लेकर फरियादी मोहम्मद रफीक अंसारी पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि फरियादी ने आरोपी अमर सिंह सुल्तान सिंह सिंधु से ब्याज पर पैसे लिए थे, जिसके ब्यास को लेकर दोनों में विवाद हो गया और फिर आरोपी व उसके भाई ने फरियादी पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में फरियादी गंभीर जख्मी होकर फिलहाल उसका इलाज जारी है। दो भाई गोरा बोल रहे थे उसको, गोरा गोरा, उसका नाम है गोरा गोरा, मेन कोमल संधू और वो गोरा। उसने मेरे को ब्याज पे 1,00,000 रुपये दिया था और मैंने उसको 1,50,000 रुपये अकाउंट से दे चुका हूँ 50-50 करके। उसके बाद में उसने क्या किया है कि स्टैम्प पेपर पे कोरे पे साइन किया था मेरे से और बीच में बोलता है कि वो घर मैंने खरीद लिया करके 12,00,000 रुपये में, और नहीं तो 5,00,000 रुपये ब्याज दे और 2,00,000 रुपये एन दे। उस पे से बीच में मेरी गाली गलौज हुई थी, वो बदला अभी निकाले उन लोग पूरे भाइयों ने मिल के। उसके पहले 2 बार पुलिस स्टेशन गया था लेकिन रिपोर्ट नहीं लिए, वो पैसे वैसे दे के पाचपौली थाने में मैनेज कर लेता है। 2 साल पुरानी बात है ये, पैसे मैंने उसको 1-1.5 साल हो गया दे दिया उसको। कल अंदाजन दोपहर को 4:30 बजे की घटना है ये। इस गुने की जो फिरियादी है मोहम्मद रफीक अंसारी, यह टेकानाका पे HDFC बैंक में गए थे। बाहर आने के बाद उनको कोमलजीत सिंह सुल्तान सिंह संधु और उनके दो भाई इन्होंने मारपीट की है, ऐसा फिरियादी ने अपने बयान में बताया है। उनका कुछ पैसे को लेकर व्यवहार हुआ था और पैसे ना देने के सिलसिले में ये घटना घटी है, ऐसा फिरियादी ने हमको कंप्लेंट दिया है। फिरियादी के कंप्लेंट से हमने आरोपियों के खिलाफ कलम 324-34 IPC के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया है। आरोपी की खोजबीन चालू है। आरोपी को अरेस्ट करने के बाद आगे के इन्वेस्टिगेशन PSI भार्गव कर रहे हैं। आगे उसमें जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसके हिसाब से आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।